बस मानो या ना मानो, बेबी हाँ होने के बाद अच्छा खासा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है और खर्चे जो है बढ़ जाते हैं। तो अगर सामने का जो बर्फ जम गई थी साइड में वो साफ कर रहे हैं और शाइनेस एकदम एंडलेसली वो चीज देख रही है, बिकॉज शाइनेस को क्या आता है बॉब द बिल्डर, और क्या गाना गया है। बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे। वाह भाई वाह, वाह, मैंने आज तक देखा नहीं तो मुझे पता नहीं, बट अपेरेंटली शान इज लाइक मेजमराइज बाय लुकिंग एट दैट एंड वेरी मच। पूरा हाईवे साफ हो इतना रहा है। हाँ इतना क्यूट सा है वो, लाइक यार, है। मुझे कैसे मन कर रहा है, मिनिमम मैं एज में जा काम कर ले तू, अलाउ करेंगे तो करती हूँ। तुझे तो करेंगे, तुझे पता पता चला है। सीधा बर्फ लेके गाड़ी पे उड़ गया, गाड़ी में बैंग हो गया पूरा। बॉम्बे तो उसकी वाइफ आए हैं आज, हम लोगों ने खाना वाना बनाया, लोगों ने, हम लोगों ने नहीं बनाया, तो ये खाना बना के लेके आए, मैंने खाया और सैटरडे नाइट हमारी बस गप्पे मारते मारते बीती। हम टाइम को देखते देखते बीत बहुत गई। टाइम बाद न्यू ईयर में अभी मिले हैं हम लोग, और ये बदमाश लड़की हमारे टाइम पे जागी रहती है। अब जैसे कोई दोस्त आता है हमारा तो आउट। Don't believe what my parents say. वेरी गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करना चाहूँगा, जो टॉपिक के बारे में हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे। आई वाज लाइक यू नो, ये वीडियो में शेयर करना चाहिए। हैविंग ए बेबी इज वन ऑफ द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड, सबके लिए नहीं बट बहुतों के लिए। लोगों के लिए उनको नहीं चाहिए, बहुत लोगों को चाहिए कि उनका यू नो उनका बच्चा हो, उनका बेबी हो, एंड यू नो दे थिंक दैट्स अ कंप्लीट फैमिली। बेबी जब होता है ना बॉस, क्या जॉय लाता है जिंदगी में। आपने मेरे कुछ वीडियो के एनर्जी लेवल देख के तो समझ लिया होगा, ऐसी कुछ चीज़ें हैं तो आई थिंक आपकी जिंदगी में हो तो ये जॉय इंटू 100 हो जाए। नाउ बिफोर आई कंटिन्यू दिस वीडियो, दिस इज व्हाट आई फील। आप कुछ और सोच सकते हो, आपकी पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो सकती है, दिस इज जस्ट माय पॉइंट ऑफ व्यू एंड मी माय फ्रेंड्स एंड जिसको जिसमें मैंने बात की, हम सब सेम सोचते हैं। बिफोर हैविंग दिस बेबी हम ये डिस्कस कर चुके थे फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज दिस इज बेबी इज लाइक अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट्स अ बिग डिसीजन। तो मेरा तो हो गया था अभी, लेकिन फिर भी दोस्तों से बात की थी तो मुझे लगा चलो भाई व्लॉग में भी शेयर करते हैं, अपने लोगों को भी ये सुन के अच्छा लगेगा। चेंज करके आता हूँ, आ जा बेटा। 3 hours later, 3 घंटा लग गया भाई इसको चेंज किया, फीड किया, उसको खेलने का था, उसको घूमने का था, फिर वो सब का अभी सो गई है। हाँ तो मैं कहा था, मुझे याद नहीं मैं कहा था। सो 3 चीज़ें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपके पास होंगी तो आपकी जिंदगी बहुत खुश मिजाज हो जाएगी बच्चे के साथ। पहली चीज़ है अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। नाउ प्लीज नॉट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मतलब शायद मुंबई वालों को ज़्यादा पैसा चाहिए रहेगा कम्पेयर टू एनी अदर सिटी। अभी मैं यहाँ पर हूँ तो मुझे यहाँ पर समझ रहा है कुछ ज़्यादा खर्चे होते हैं कम्पेयर टू मुंबई। सो अगर आप अपने जगह पे सही हो अपने पैसे को पैसों के साथ तो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। बस मानो या ना मानो, बेबी होने के बाद अच्छा खासा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है और खर्चे जो है बढ़ जाते हैं। तो अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो भी मैनेज हो जाता है, लेकिन इट्स बेटर यू नो यू विल बी हैप्पी। दूसरा, रिलेशनशिप बिटवीन द कपल्स। नाउ कभी कभी कैसा होता है, सब बोलते हैं ना बच्चा पैदा कर लो, आपका जो टेंशन है कपल्स का सही हो जाएगा, और बच्चा पैदा करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। एंड आई थिंक ये एडवाइस सबसे घटिया एडवाइस है कि बच्चा पैदा कर लो ताकि पति और पत्नी का रिलेशन अच्छा हो जाए। वो कुछ टाइम के लिए शायद ठीक हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मेरे हिसाब से वो बहुत ही ज्यादा बिगड़ जाएगा। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है काइंड ऑफ सिमिलर टू सेकंड थिंग, इट इज एक्सेप्टेंस ऑफ अ चाइल्ड। कभी कभी किसी को बच्चा नहीं चाहिए, मतलब पति पत्नी को नहीं चाहिए पति को चाहिए, या फिर पति को नहीं चाहिए पत्नी को चाहिए, तो एक्सेप्टेंस की मुझे बच्चा चाहिए वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, अगर आप एग्री करते हो तो सही है, नहीं एग्री करते हो तो सबके अपनी अपनी सोचे भाई। बट मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू माई फ्रेंड्स ऑलवेज वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट, और ये ऐसा नहीं कि एक बार डिस्कस किया, हम लोग महीनों से डिस्कस कर रहे हैं चीज़। तो ये 3 चीज़ें, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आती है बट मोटा मोटा ये 3 चीज़। अभी पूरे टॉपिक पे डीप पे बात करने की जरूरत नहीं, बिकॉज आप लोग समझदार हो, इसलिए 3 पॉइंट बोल दिया मैंने। और जो लोग नहीं समझे वो भाई आपको टाइम है, आप थोड़ी शादी वादी कर लो तब आपको समझ में आएगा। बड़े क्या बोलते हैं, आटे दाल का भाव। आटे दाल का भाव है अभी। और अभी मेरी बहन की जो बेटी मेरी नीस है वो कुछ कुछ वर्ड बोलना, मायरा जो कुछ वर्ड बोलना शुरू हो गई है, बोलती है भाभी भाभी। मायरा निकिता बोल, निकिता निकिता नहीं बोलना, निकिता बोल, निकिता सो क्यूट। मतलब मेरी बहन का नाम निकिता है तो मेरी बहन बोलती है निकिता बोल, निकिता भाभी भाभी उसके डैड का नाम है भाभी। तो हमने बोले हमारी हमारी बेबी कैसे बोलेगी, स्काई कैसे बोलेगी नी, क्योंकि निकिता बोलना इज डिफिकल्ट, निकिता और शैनिस निखिल हम लोग बोले सीधा डैडा और मामा बोलो पहले। अरे लेकिन कैसा है, बच्चे लोग जो सुनते हैं वही बोलते हैं, तो मतलब अगर मैं तेरे को बेबी बेबी बोलते हैं वो भी तेरे को बेबी 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 जस्ट बीबर का गाना बजाएंगे।
आज संडे है, मुझे लगा जिम में भीड़ रही नहीं, लेकिन जिम में अच्छी खासी भीड़ थी। और ये जो बिल्डिंग है जिम है ना, इसमें मैक्सिमम 5 लोग जा सकते हैं एक बारी में, तो उसके लिए भी 1 घंटा वेट करना पड़ा। और कोई नहीं, अच्छा वैसा लेग वर्कआउट हुआ। बेस्ट पार्ट है कि अभी मेरा वर्कआउट स्किप नहीं हो रहा था, बिकॉज बिल्डिंग में जिम है। मतलब सोचो ना, अगर मुझे पहले मालूम होता, जो लोग मुझे पहले से देख रहे, जिन्होंने मुझे पहले से नहीं देखा है पूरे कनाडा सीरीज़ में, सो मैंने प्लैनेट फिटनेस ज्वाइन किया था ये एयरबीएनबी में शिफ्ट होने के बाद भी, और मुझे कुछ दिनों पहले मालूम पड़ा कि ये बिल्डिंग में भी जिम है। तो हालांकि कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लैनेट फिटनेस इज़ गुड जिम और नज़दीक है, लेकिन मैंने काफ़ी बार स्किप किया है जिम जाना। अगर यहाँ मुझे मालूम होता तो मेरा बिल्कुल भी मिस नहीं होता। बट एनी वेज, देर है, दुरुस्त है, क्या फ़र्क पड़ता है। तो शानस उसका है, वापस सो गए हैं लोग, आफ्टरनून नैप ले रहे, बिकॉज बाहर थोड़ी बर्फ गिरी थी। अभी बर्फ़ गिरना जो है बंद हो गया था, अभी ऑन एंड ऑफ गिरती है एक्चुअली। वो जो बर्फ़ गिरी थी अपने, वो 10 साल बाद ऐसी कड़क बर्फ, जब मुंबई में कैसा होता है कि वंस इन अ ब्लू मून बहुत तेज बारिश होती है, पानी भर जाता है, ये जो बर्फ़ गिरी थी ना वो वैसी बर्फ़ गिरी थी। वट एवर इट इज़, अभी मौसम थोड़ा साफ लग रहा है तो प्रॉब्ली थोड़ी देर में निकलेंगे। और हमने स्काई के लिए अच्छे खासे विंटर के कपड़े लिए भी थे। अभी ये जो टेडी बियर वाला है ये उसको पहनाएंगे, एंड प्रॉब्ली मैं उसको ऐसा पकड़ लूँगा जब भी मॉल में या कहीं पर भी घूमेंगे, तो इससे क्या होगा, वो डबल ट्रिपल लेयर भी रहेगी और वो कवर्ड भी रहेगी। तो ऐसा हमने कहीं पढ़ा था कि अगर आपको ठंडी लग रही है सिंगल लेयर में तो बच्चे को डबल लेयर पहनाओ, अगर आपको ठंडी लगती है डबल लेयर में तो बच्चे को ट्रिपल लेयर पहनाओ, ऐसे कुछ। आई वेट फॉर देम टू गेट अप, इन द मीन टाइम आई मेक प्रोटीन एंड देन आई विल गो आउट। अभी तो ये तो ऐसा हो गया मेरे लिए कि मैं ज़िंदगी भर भूलने वाला हूँ कि यहाँ पर कहाँ से कहाँ जाना है, कैसे ड्राइव करना है। मैं तो गूगल मैप यूज़ करना बंद कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पर हम जो है शॉपिंग करते हैं, इसको बोलते हैं लोब लॉस। हमारे पवई में होता है डी मार्ट, अभी लोब लॉस। तो लोब लॉस से डी मार्ट का सफ़र बहुत जल्द होगा। आशा करता हूँ ये हमारा लास्ट फ्रूट का ग्रॉसरी होगा, इसके बाद यहाँ पर आशा करता हूँ इसके बाद यहाँ पर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके लिए। सुना तो था पैंडेमिक बेबीज बोलते हैं ना। शाबाश बेटा, शाबाश, मस्त। खुद तगड़ा वाला आज ऑयल मसाज दिया है, आज थोड़ा इसने इन्जॉय नहीं किया। माय गॉड, इसका नाखून, हमें बोला अपने दांतों से इसका नाखून काट, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं है। इसका एक अलग नेल कटर आता है जो इसकी फ्रेंड ने बताया, वो कर लेके उसको ट्राई करेंगे। और इंडिया जाके तो है ही हमारे पास, हमारी मम्मियाँ, इसकी डैड जो कटेंगे करके। माय गॉड, हर आईज जस्ट लाइक यू शानस। Very disappointed you, Sky, there is no milk here. नहीं पता ये पार्ट में कैसे बोलूँ, बट पता है कभी कभी ऐसा होता है, इवन तो आप बहुत अच्छी तरीके से सोए हो, लेकिन मौसम के वजह से चेंज इन वेदर एंड वॉट और प्रॉब्लम एयर कंडीशन कि आप ऐसा अचानक लेटते हो और आप नॉकआउट हो जाते हो। तो जो मैंने शॉट दिखाया था स्काई और शानस सो रहे थे, तो वो तो शानस सो गई थी, उसके बाद हम लोग बाहर जाना रहे थे। तो मैं अपना ग्रोसरी लेके आ गया और ग्रोसरी लेके आके शानस ने ब्लैक कॉफ़ी बनाई, मैं ब्लैक कॉफ़ी का पूरा ग्लास पी के हम लोग बाहर जाने रहे थे, मैं लेटा और मैं सो गया। तो शानस वाज लाइक, यू नो, निकल, यू वाज स्नोरिंग, यू वाज लाइक फीलिंग लिटिल टायर्ड। मैंने तुझे उठाया नहीं, मैंने बोला मैं थका हुआ था ही नहीं, पता नहीं मैं कैसे सो गया। तो 2 घंटे का मैंने नैप लेके उठा, स्काई को मसाज दिया, अब इसका थोड़ा ऑयल सूखने दे रहे हैं, फिर उसको नहलाएंगे, लेकिन अभी सो गई है। यू नो, बच्चे लोग को सोते हुए मैं उठा के नहलाना, यू नो, जस्ट डोंट लाइक इट। मैंने बहुत लोग बोल रहे कि दिन में इसको नहलाओ, लेकिन दिन में एक्चुअली हम लोग का टाइम थोड़ा अनशेड्यूल है, और यहाँ पर ठंडा तो दिन भर रात भर सब रहता ही है, हीटर तो ऑन रहता ही है। और रात को हम लोग को ऐसा लगता है, रात को नहलाने का फ़ायदा पता क्या है कि नहाने के बाद स्काई मस्त गहरी नींद में सो जाती है क्रीम व्रीम लगा के, और फिर वो टाइम हम भी सो जाते हैं, और फिर वही 2 घंटे 3 घंटे का हमारा शिफ्ट जो है चालू हो जाता है। तो अभी जिस तरह मैं स्काई का ध्यान रखता हूँ, तो शानिस अचानक में कुछ बोली, और मैं चाहता हूँ शानिस तू सेम ही कैमरे के सामने बोल। मैं ये बोल रही थी कि जिस तरह से निखिल, यू नो, स्काई को हक करता है, जब स्काई रोती है उसको उठाता है और इतना ध्यान देता है, तो उसको देख के मुझे एकदम मेरे डैड की याद आती है। फिर मुझे आई एम रिमाइंडेड ऑफ द टाइम जब मुझे पहली बार एंग्जाइटी अटैक हुआ था और मैं निखिल के साथ फ़ोन पे थी, और मुझे लगा मुझे हार्ट अटैक आ गया था। मैं इतनी डरी हुई थी, मेरे डैड सोफ़ा पे बैठे थे और वो मेरे पास भाग के आए। आई थिंक मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मुझे अभी भी डैड का एक्सप्रेशन अच्छे से याद है। वो खुद डरे हुए थे, पर वो मेरे को मेरे सर पे ऐसे हाथ फिरा रहे थे, मेरा हाथ पकड़ के बोलते इट्स ओके, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो मैं सोच रही थी कि इतना प्यार करते हैं माँ बाप बच्चों से, नहीं, दिस डैड एंड डॉटर का बॉन्ड इज सो डिफरेंट, इट्स सो स्पेशल, बिकॉज मैं टोटली रिलेट कर सकती हूँ। तो मैं सोच रही थी अगर लाइफ में कभी कुछ हुआ है ना स्काई को, नहीं हो पर कुछ भी होगा, अगर थोड़ा सा चोट आया, कुछ भी होगा, इफ़ शी इज़ इमोशनली सैड, तो निखिल कितना क्या फील होगा, वो बॉन्ड कितना अलग है। सो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि मेरे डैड को कैसा फील होता रहेगा, बट ही वॉज सो स्ट्रॉन्ग एंड लविंग। और वो जो लव मिलता है ना माँ बाप से, दैट इज़ टोटली डिफरेंट। तो मैं निखिल को ये बोलती कि जो फैमिली वाला लव होता है ना, इंसान क्या पागल होता है, दे रन बिहाइंड लाइक मनी, थिंग्स, फेम एंड वॉट नॉट, बट द रियल वेल्थ इज इन द फैमिली लव। सबकी फैमिली अपने से नहीं होती शानिस, सब नसीब वाले नहीं होते, नॉट का ये छोटा सा हिस्सा शेयर करने लायक है, इसलिए शेयर कर दिया, बिकॉज यही चीज़ से तो हम फैमिली बनते हैं, यही चीज़ से तो हमारे अंदर इमोशंस आते हैं, प्यार आते हैं, और यू नो हम बहुत सारी चीज़ों से ओवर पावर करते हैं, ओवरकम करते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये शेयर करने लायक है। तो कल रोमित आया था, उसने ये वाला गिफ्ट दिया था हमको, बेसिकली क्या है मैं आपको बताता हूँ, इट्स लाइक अ बैसिनेट, डायपर बैग, थोड़ा डायपर बैग से बैसिनेट, डायपर बैग, ये देख, डायपर बैग बैकपैक, ओके,
बट इसमें बोला बैसिनेट भी है ये। हाँ तो ये डायपर बैग बहुत ही अच्छा है, इसमें मल्टी यूज है, इसमें मच्छरदाना है। दिस इज लाइक आई थिंक दिस इज वेरी गुड गिफ्ट। मैंने खोला नहीं है बिकॉज़ यू कैन सी पूरा एयर टाइट है, इसको खोलूंगा तो फूक जाएगा, तो इसको इंडिया जाके यूज करूंगा। आई मीन हाउ कूल इज दैट, इन वेरी डज अ बैकपैक, आई मीन इससे अच्छा गिफ्ट मतलब थैंक यू यार रोमित यार, सॉरी कल ब्लॉग में इतना नहीं बता पाया बिकॉज वी वर टॉकिंग 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 और देखते देखते इतना लेट हो गया कि हम सबको नींद आने लगी तो मैं इसी से सो गया। तो अभी आपको ट्रैवलिंग प्लान थोड़ा बताता हूँ। हमारा 28 जनवरी को फ्लाई करने का प्लान था, टिकट विकेट सब हमारी होल्ड पे थी बट हमने उसको होल्ड पे डाल दिया, थोड़ा डिले कर दिया है बिकॉज वीजा को थोड़ा टाइम लग रहा है और ऑफकोर्स हमारी थोड़ा बहुत शॉपिंग को भी टाइम लग रहा है। मुझे नहीं चाहिए हम लोग इतना घाई घाई में करें, एक्चुअली साल में तो प्रोसीजर काफी लंबा है तो वी डोंट वांट टू टेक अ चांस कि हम टिकट बुक करें और फिर टिकट का कैंसिल करना पड़ेगा, रिफंड भी नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं 28 को नहीं हो सकता था, हो सकता है बट मतलब इतना खट्टू कट नहीं रखते भाई, अभी इतना टाइम बिता दिया है तो दो चार दिन और सही। तो बस गाइस ऐसा ही है, तो जैसे ही वीजा हो जाएगा हम लोग निकल जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस ब्लॉग टिल हियर, इफ यू एंजॉयड दिस ब्लॉग फॉर व्हाटएवर रीजन डोंट फॉरगेट द लाइक बटन, नाउ सब्सक्राइब करो विद अस एज ऑलवेज। शुक्रिया, अलविदा, मा सलामा, टेक केयर एंड डू व्हाट वी वांट, आवर लवली फ्रेंड्स, अडियोस अमिगोस, बाय बाय। अरे इसको फीस वैसे बिल कभी करना है इतना बता देते हैं, तू बता। अभी तो 41 डेज की होगी तो अभी तो वी डोंट हैव प्रॉब्लम, अभी दिखा दे चल, अभी थोड़ी दिखाऊंगा तेरा केस ले रही हो। एक दिन वीजा का हम लोग को अपडेट हो जाएगा ना, हम दिखा देंगे पक्का पक्का है ना, अपडेट में दिखा देंगे, वीजा आने का वेट नहीं करेंगे, अपडेट में दिखा देंगे, जो कि अगले वीडियो में आ सकता है या उसके अगले अगले वीडियो में आ सकता है। ओ वेट पेशेंटली, थोड़ा पेशेंस करो भाई, इतना वेट कर लिया तो।